हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ऑटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन उस पर बहुत ही कमेंट आने लगे थे। देखिए, मैं आपको वीडियो बता देता हूँ। ये वीडियो मैंने बनाई थी ऑटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और इसके बाद इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो बनाई थी ऑटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जिसमें मैंने सब कुछ बताया था बारीकी से। ये वीडियो थी हमारी। अब दोस्तों, ये वीडियो हमारी काफ़ी चल रही थी और इस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप इसमें पेमेंट प्रूफ नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों, मैं उनसे पक गया हूँ। आज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अपना पेमेंट प्रूफ उनको दिखाऊंगा। या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में पूरा पेमेंट प्रूफ दिखाएंगे, वो भी एडसेंस से रिलेटेड। और दोस्तों, जो भी मैंने पैसा कमाया है वो सारा ऑटो ब्लॉगिंग से कमाया है, ये बिल्कुल साफ साफ मैं दिखा दूंगा। तो इससे पहले मैं आपको अपने मैसेज दिखा देता हूँ, जो मैसेज मुझे बैंक से आए थे, और एडसेंस की स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अपने एडसेंस पर लेके जाऊंगा और वहाँ पर अपना पूरा पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं अपना मैसेज दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा मैसेज है, जो मुझे मैसेज आया था, जिस तरह मेरे बैंक में पैसे आए थे वो इसमें साफ साफ दिख रहे हैं। 7,636 रुपये आए थे। इसके बाद मैं आपको स्लिप दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वो स्लिप है जो मुझे एडसेंस की तरफ से रिसीव हुई थी। इसमें पेमेंट रिसीव क्लियर लिखा है, मुझे $108 प्राप्त हुए थे। इसके बाद मैं आपको अपना बैंक का ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बैंक का ट्रांजेक्शन है, इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है हमारे पैसे 7,636 रुपये, तो ये मुझे प्राप्त हुए थे। अब इसके बाद मैं आपको अपने एडसेंस पर लेके चलता हूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, मैं आज आपको पूरा पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा कि मुझे ऑटो ब्लॉगिंग से ही यह पेमेंट प्रूफ मिला है। तो अब हम चलते हैं अपने एडसेंस की तरफ, वहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें खोल लेते हैं अपना एडसेंस। तो मैं गूगल में टाइप करता हूँ एडसेंस, बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाऊंगा दोस्तों, कोई भी फेक नहीं होगा। इसके बाद हेडिंग पर क्लिक करता हूँ और बिल्कुल मेरा ही एडसेंस इसमें खुलेगा। तो मैं इसको सिंग इन करता हूँ। सिंग इन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरा पेमेंट प्रूफ दिखेगा। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा पूरा पेमेंट खुलकर आ गया है। यहाँ पर ये अर्निंग मैंने की हुई है, और आपको जो जीरो दिख रही है, आप सोच रहे हैं मुझे पेमेंट नहीं रिसीव हो रहा है। तो दोस्तों, मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका ऊपर देखिए एक मैसेज लिखा हुआ है। इस मैसेज में क्लियर लिखा हुआ है एडसेंस वालों ने कि आपके वेबसाइट पर लिमिटेड एड प्राप्त होंगे। मतलब मेरी वेबसाइट पर अब पहले जैसे एड प्राप्त नहीं होंगे, जैसे पहले होते थे, बहुत ज़्यादा एड दिखते थे, अब लिमिटेड होंगे। और ये एडसेंस की तरफ से पहले भी मुझे आया था, और मुझे नहीं, ये सबको आता है, क्योंकि एडसेंस में क्या पता क्या चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये मैसेज आया था। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 8 से 10 दिन चलेगा ये, उसके बाद फिर से मेरे पे वेबसाइट पर एड आएंगे और मैं अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एडसेंस का एड आ रहा है, लेकिन लिमिटेड आ रहा है, तो इसलिए अर्निंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसके बाद साइट पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कितनी साइट का अप्रूवल लिया हुआ है, और वो ऑटो ब्लॉगिंग है। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मेरी वेबसाइट ऑटो ब्लॉगिंग वाली कौन सी है, न्यूज हिंदी। ये न्यूज हिंदी डॉट क्लब, ये जो दिख रहा है, ये मेरी एडसेंस की अप्रूवल लिया हुआ है, और यही वेबसाइट मेरी ऑटो ब्लॉगिंग की है। तो दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर कि मैंने रेडी है, एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है। इस पर ऊपर वाली वेबसाइट है माइंडेड गुरुजी, ये मेरी अर्निंग से रिलेटेड वीडियो है, और नीचे वाली ऑटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा, यदि अब भी यकीन नहीं हुआ तो हम आपको अपने पेमेंट प्रूफ की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं बता दूँ, मेरा न्यूज इन हिंदी क्लब, इसका डोमेन एक्सपायर हो गया था। अभी आप इसको नहीं देख सकते, क्योंकि इसका डोमेन एक्सपायर हो गया है, और मैंने एक नया डोमेन ख़रीद लिया है, एडिटिंग क्लब, और इसका मैं अब अप्रूवल लेने वाला हूँ। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा डोमेन वो हो रहा था वो रिन्यू, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं दोबारा इस पर अप्रूवल ले लूँगा।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं पेमेंट को बता देता हूँ कि पेमेंट मैंने कब लिया, मैंने कितना लिया था। देखिए $32 अब तक हो चुके हैं इसमें फिर से। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको पेमेंट, ये क्या है, पे व्यू ट्रांजेक्शन पर चल के। अब देखिए दोस्तों, व्यू ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेमेंट पर, ठीक है। और पेमेंट पर करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर ऑल टाइम कर देता हूँ। ऑल टाइम करने से हमारा पेमेंट इसमें देखने लगेगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा पेमेंट खुल के आ गया। इसमें लिख रहा है -$108। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर यकीन हो गया होगा कि मैंने $108 का पेमेंट इस पे से रिसीव कर लिया है। और इसमें ऑटो ये लिखा हुआ है, एडसेंस वालों ने मुझे अपने बैंक अकाउंट में भेजा है। दोस्तों मैंने बिल्कुल सब कुछ आपके सामने खोल कर रख दिया है। आप बहुत कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, वरना मुझे ये वीडियो बनाने का कोई चांस नहीं था और मुझे इस वीडियो को नहीं बनाना था। लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आप लोगों को यकीन दिलाना था कि मैं ऑटो ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, जब आप ऑटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो आपको पहले एडसेंस का अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही आपको एडसेंस ऑटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। यदि आपने पहले ही ऑटो ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। समझ गए ना अब आपको क्या करना है? अगर आप अब भी नहीं समझे तो हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो देखिए, ऑटो ब्लॉगिंग सही है या गलत है, इस वीडियो में मैंने और भी अच्छी तरीके से समझाया है। और उसके बाद दोस्तों, मेरी ऑटो ब्लॉगिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनती है दोस्तों, इतनी मेहनत की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।